राधे राधे दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी सुख समृद्धि नहीं है, आपके जीवन में लग्जरी नहीं है, हर छोटी चीज के लिए आपको तरसना पड़ता है, आपको या तो वैवाहिक जीवन आपका सही नहीं है या आपके अभी तक विवाह नहीं हुआ है, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां, अगर आपका शुक्र ग्रह कमजोर है तो ये आपको किसी से जुड़ने नहीं देता है, किसी के प्रति आपके अंदर वो प्रेम भावना नहीं होती है जिससे कि आप वो उस व्यक्ति से जुड़ पाए, चाहे वो आपकी माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, आपके जीवन में लग्जरी नहीं होती है, आप एक बिल्कुल एक सामान्य सा जीवन जी रहे होते हैं। जिनका शुक्र बलि होता है वो देखने में अट्रैक्टिव होते हैं, उनका पहनना ओढ़ना, उनका बात करने का तरीका, उनके पास लग्जरी बहुत होती है, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना, महंगे होटलों में खाना। अगर आपका भी शुक्र कमजोर है तो जैसे नौ ग्रहों में हम हमेशा देवगुरु बृहस्पति को बलि करने की कहते हैं, उसी तरह शुक्र का भी मजबूत होना आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना कि देवगुरु बृहस्पति का मजबूत होना। जब भी शुक्र आपके पीड़ित होते हैं तो आपको आपके यूट्रस से संबंधित, महिलाओं में यूट्रस से संबंधित समस्याएं देते हैं, पुरुष हैं तो उनको उनके मूत्रांग से संबंधित समस्याएं देते हैं, वैवाहिक जीवन सुखी नहीं होता है, डायबिटीज जैसी बीमारी भी आपको शुक्र ही देते हैं। तो आज मैं विशेष चर्चा आपको शुक्र के बारे में करने जा रही हूँ, कुछ शुक्र के ऐसे आपको रेमेडीज दूंगी जिन्हें आप डेली करेंगे, आपका शुक्र बलि होना शुरू हो जाएगा, जीवन में आपके धन वैभव लक्ष्मी और लग्जरी माता माँ लक्ष्मी, क्योंकि शुक्र की ही देवी हैं, जब तक आपका शुक्र बलि नहीं होगा आपके पास धन आएगा ही नहीं। तो ये सारी चीजें आपको वीडियो लास्ट तक पूरा देखिएगा दोस्तों। साथ में अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु कल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में लकी अंक देने वाली हूँ। दोस्तों मैं आपकी यशोदोष एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आपसे जानना चाहूंगी, अगर आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियो समय से आपको मिलते रहें, आपको मेरे वीडियोस ढूंढने ना पड़े। दोस्तों शुक्र नौ ग्रहों में, हम जब नौ ग्रहों की बात करते हैं तो हर ग्रह का किसी ना किसी भाव के साथ में, किसी ना किसी हमारे शरीर के अंग के साथ में, किसी ना किसी हमारे जीवन से जुड़े हुए क्षेत्र के साथ में उनका संबंध होता है। जहां देवगुरु बृहस्पति हमारे लिए ज्ञान के कारक हैं, हमारे वैवाहिक जीवन के कारक हैं, हमारे धन के कारक हैं, हमारी विद्या के कारक हैं, हमें अपने इष्ट से मिलाते हैं, वहीं शुक्र हमें धन वैभव ऐश्वर्य लग्जरी लाइफ में देता है। लग्जरी का मतलब होता है शान और शौकत की जिंदगी देता है, आसानी से चीजें आपके पास आती हैं, आप अच्छे से अपनी लाइफ को जी रहे होते हैं, आपको किसी चीज के लिए तरसना नहीं पड़ता है, आपके चेहरे पर भी एक आकर्षण होता है, आपके पास भी आपको अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे अच्छे से घूमना, ये सभी चीजें आपको पसंद होती हैं। जिनका शुक्र कमजोर होता है ऐसे व्यक्ति मीठी चीजें नहीं खाते हैं, उन्हें मीठे से एलर्जी होती है, वो हर किसी से बात भी नहीं करते हैं, वो उनका महिलाओं के साथ में थोड़ा सा अलगाव रहता है, वो दूरी दूरी बनाकर रखते हैं। शुक्र को मजबूत करना इतना भी कठिन नहीं है दोस्तों, हम दैनिक दिनचर्या के आधार पर भी अपनी दैनिक डेली के रूटीन में भी अपने शुक्र को बलि कर सकते हैं, अपने घर में धन वैभव ऐश्वर्य अपने जीवन में ला सकते हैं। तो कैसे? तो उसके लिए सबसे पहले अपने घर की कोई भी महिला हो, चाहे वो आपकी माँ है, आपकी बहन है, आपकी पत्नी है, आपकी दादी है, उन सभी को सम्मान दीजिए, कभी भी उनसे दुर्व्यवहार मत कीजिए, उन पर चीखे चिल्लाइएगा मत। हर स्त्री का, आप ये घर की स्त्रियों के नहीं, घर के बाहर भी कोई भी स्त्री है, चाहे वो आपके कॉलेज के साथ में आपके पढ़ने वाली फ्रेंड हो या जाने आने जाने वाली लड़कियां हो, कभी भी उनसे छींटा कसी मत करिए, हमेशा उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखिए, इससे आपका शुक्र अच्छा होता है। दूसरा, हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनिए, मैले कुचेले कपड़े, फटे हुए कपड़े मत पहनिए, अगर फटे हुए हैं तो उन्हें सिल लीजिए, इससे आपका शुक्र खराब होता है, तो हमेशा सिले हुए साफ सुथरे प्रेस करे हुए कपड़े पहनिए। अगर आपके लिए पॉसिबल हो सकता है, आप चाहते हैं आपका शुक्र दिनों दिन अच्छा होता जाए, तो जो आपके इनर वियर यानी जो अंडर गारमेंट्स हैं उन्हें भी आप नियमित प्रेस करके पहनिए, धुले हुए प्रेस करके पहनिए, हमेशा धुला हुआ तौलिया, नहाने के बाद धुला हुआ तौलिया ही यूज करिए, ये भी आपके शुक्र को अच्छा करता है। हमेशा हल्के कलर के कपड़े पहनिए, डार्क कलर के कपड़े मत पहनिए, हमेशा हल्के कलर के कपड़े पहनिए, इससे भी आपका शुक्र अच्छा होता है। हमेशा आप अपने पास एक चांदी का छल्ला, पुरुष हैं तो सीधे हाथ के अंगूठे में और महिलाएं हैं तो लेफ्ट हैंड के अंगूठे में आप धारण कीजिए, इससे आपका शुक्र अच्छा होता है।
दोपहर के खाने में दही किसी भी फॉर्म में खाइए, किसी भी तरह से आपको दही का सेवन करना है। मीठा भी हो सकता है, नमकीन भी हो सकता है, छाछ भी हो सकती है, लस्सी भी हो सकती है। दोपहर में ही लेना है आपको इसे, शाम को नहीं लेना है। इसके अलावा आप अगर मिश्री खा सकते हैं तो थोड़ी सी मिश्री, सौंफ और गरी मिक्स करके इसको आप एक डिब्बे में भर के रखिए, इन तीनों चीज़ों को, और अपने घर में कहीं भी इसको रख लीजिए और चलते फिरते आप इसको खाते रहेंगे। इससे भी आपका शुक्र अच्छा होगा, ये भी आपके शुक्र को बल देना शुरू करेगा। शुक्र क्योंकि अच्छा दाम्पत्य जीवन देता है, आपको जीवन में गाड़ी है, बंगला है, आपको अच्छे से अच्छा खाना है, महंगे होटलों में खाना है, उस सब के लिए आपका शुक्र का अच्छा होना जरूरी है। तो शुक्र ये सारी चीजें आपको देता रहे, तो ये छोटे छोटे से भी आप दैनिकचर्या के कार्य करते रहते हैं, बिना पूजा पाठ के भी आपका शुक्र बली होता है। इसके अलावा दोस्तों आपको शुक्र को मजबूत करना है तो शुक्रवार शुक्रवार आप गाय को उबले हुए चावल में 1 चम्मच घी और 1 चम्मच चीनी मिक्स करके अपने हाथ से खिलाइए गाय को, और साथ में जो गाय का उभरा हुआ जो पीठ पर हिस्सा होता है उस पर प्यार से उसके ऊपर हाथ फेरिए। 1-2 मिनट वहां खड़े रहिए और उसके ऊपर आपके हाथ फेरने से भी आपका शुक्र बलि होना शुरू होता है, क्योंकि गाय भी शुक्र का ही प्रतीक है। गाय में 9 के 9 ग्रह समाहित होते हैं। गाय की सेवा करने से हम कोई भी उपाय करते हैं, बृहस्पति का कर रहे हैं तो हम चने की दाल की लोई बताते हैं, बुध का कर रहे हैं तो हरा चारा है, शुक्र का कर रहे हैं तो इसमें उबले हुए चावल है। तो इस तरह से गाय को चीजें खिलाने से भी आपके ग्रह मजबूत होना शुरू होते हैं। आपको परफ्यूम जरूर लगाना चाहिए, परफ्यूम किसी भी फॉर्म में हो, अपने यहां पर आप इस तरह से कान के पीछे लगाइए, साथ में अपनी कलाइयों में थोड़ा सा नियमित आप इत्र भी लगाते हैं, इससे भी आपका शुक्र अच्छा होता है। अपने घर में भी इत्र का आप छिड़काव करते रहते हैं, या सुगंधित अगरबत्तियां जलाते हैं, इससे भी आपका शुक्र अच्छा होता है। इसके अलावा आप दोस्तों लाइट कलर के कपड़े तो मैंने आपको बताया है, चमकीले कलर के वस्त्र पहनिए, थोड़ा सा ब्राइट कलर के कपड़े हैं, थोड़े से रेशमी कपड़े हैं, ये भी आपके शुक्र को अच्छा करता है। कभी भी फटे कटे कपड़े और फटे पुराने चादरें आपको कभी भी नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, आपके शुक्र को खराब करते हैं। फटे जूते चप्पल हैं, ये भी आपके शुक्र को खराब करते हैं, तो शुक्र इससे बलि होता है। साथ में ही आप अपने शुक्र को बलि करना चाहते हैं तो बड़ी इलायची, कम से कम एक मुट्ठी बड़ी इलायची लीजिए, इनको मिक्सी में अच्छे से महीन पीस कर आपको इसको 1-1.5 लीटर में आप अच्छे से इसको उबाल लीजिए, और इस पानी को आपको छान कर एक बोतल में भर लीजिए। नियमित इसमें अपने नहाने के पानी में आप 2 ढक्कन डालकर नहाना शुरू करेंगे, खत्म हो जाए दोबारा से बना लीजिए, तब भी आपका शुक्र से बलि होना शुरू हो जाता है, शुक्र आपका बलि होगा। दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की समस्या नहीं आएगी, विवाह नहीं हो रहा है चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, तो विवाह के योग खुलेंगे और आपका विवाह शीघ्र हो भी जाएगा। आपके जीवन में लग्जरी नहीं है, धन नहीं आ रहा है, माता माँ लक्ष्मी आपसे रूठ गई हैं तो वो भी प्रसन्न होंगी। साथ में शुक्र के मंत्र का जाप, ओम शुम शुक्राय नमः, शाम के समय अगर आप स्फटिक की माला से करते हैं तो इससे आपका शुक्र तो अच्छा होता ही है, माता माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होकर आपके घर में स्थिर रूप से निवास करती हैं। तो स्फटिक की माला से आप ओम शुम शुक्राय नमः या शुक्र का मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इन दोनों में से कोई एक मंत्र ले लीजिए और इसका नियमित शाम के समय आप जाप करते हैं, इससे भी आपका शुक्र मजबूत होता है। तो जो इसमें से मैंने आपको इतने सारे उपाय बताए हैं, इनमें से कुछ कुछ उपाय आप करते जाते हैं तब भी आपका शुक्र अच्छा होता जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप अगर ये जो आपकी माँ है उनसे लेकर आप एक चांदी का सिक्का अपने पर्स में रखते हैं, माँ से अपने एक चांदी का सिक्का लीजिए अपने पर्स में रख लीजिए, ये भी आपके शुक्र को अच्छा करेगा। दिनों दिन आपके पर्स में माता माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, धन आपके पास आएगा भी और टिकेगा भी। तो दोस्तों आप इन सभी चीजों उपायों में से जो उपाय आप कर पा रहे हैं उन्हें कर लीजिए, 2-4 जो भी उपाय हैं छोटे छोटे से उपाय हैं दोस्तों, कोई ऐसे मैंने आपको कठिन उपाय नहीं बताए जिन्हें आप ना कर सको, हर व्यक्ति कर सकता है। शुक्र की जरूरत, शुक्र ग्रह की जरूरत सभी व्यक्तियों को होती है, तो जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों अब मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जो कि 9 ग्रहों पर आधारित होते हैं, प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था हो, आप किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो, किसी भी देश में रहते हो, 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग सभी के लिए आवश्यक है। इनसे सबसे पहले आपका चंद्रमा बलि होता है, मानसिक तनाव से आपको मुक्ति मिलती है, आपकी ऑरा क्लीन होती है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है, भाग्य का आपको साथ मिलने लगता है, दिनों दिन आप तरक्कियां करने लगते हैं। 25 फरवरी 2022 दिन शुक्रवार आज का राहु काल है,
सुबह 11:05 से 12:30 तक इस समय आपको कोई भी शुभ कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:11 से 12:56 तक इस समय आप कोई भी शुभ कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको दोस्तों एक हरी इलायची का सेवन करना है। आज आप हरी इलायची का सेवन करेंगे तो आपका आज बुध अच्छा होगा और आपकी वाणी से कहे हुए वाक्य आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। आज का जादुई अक्षर है कमल वाला का। इस का शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए, दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं तो इसको आप एक व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से लिखिए, फोल्ड करके अपने पास रखिए, तो ये अंक आपको शुभता प्रदान, ये शब्द आपको शुभता प्रदान करता रहेगा। दोस्तों अब जिनका बर्थडे या मेरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला पुरुष बुजुर्ग जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी हो, इस प्रयोग को करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर ग्रीन कलर से 6 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे, तो ये अंक आपको वर्ष भर शुभता प्रदान करता रहेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। दोस्तों आप भी जानना चाहते हैं अपनी समस्याओं के बारे में तो स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। ये सुविधा पेड है, आपको फीस देनी होती है। दोस्तों अगर आप जीवन में बहुत अधिक परेशान हैं, रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में जय माता दी राधे राधे अवश्य लिखिए, क्योंकि मैं आपको जीवन से जुड़े हुए ऐसे ही सरल और सुगम उपाय देती हूँ जिसमें आपका कोई पैसा खर्च ना हो, क्योंकि मैं कभी रत्न रिकमेंड नहीं करती हूँ। हमेशा घरेलू चीजों से आपको ग्रहों को सुधारने के लिए आपको उपाय देती हूँ, मंत्रों के जरिए, अपने घरेलू चीजों के जरिए, क्योंकि वैसे भी आज अगर आप बहुत अधिक समस्याओं में घिरे हुए हैं तो कहाँ आप इन चीजों की तरफ भागते फिरेंगे। महंगे रत्न पहना दूं, आप वैसे ही आर्थिक स्थिति में घिरे हुए हैं, महंगा रत्न लाएंगे उसकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं है। इससे तो बेहतर है कि उस पैसे को आप कुछ कुछ जोड़ते जाएं तो कम से कम वो आपके आगे काम आएगा। दोस्तों अगर आप अन्य किसी विषय पर मुझसे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मेरे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। अपनी कोई एक क्वेश्चन है जिसे आप जानना चाहते हैं, जो कि सब लोगों के लिए भी हो सकता है कि लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं उनके लिए भी जरूरी है, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। अपना कोई एक पर्सनल आपका क्वेश्चन है तो अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना बर्थ प्लेस और अपना एक क्वेश्चन लिखिए और उसे आप लगातार मेरे 3-4 वीडियोज में लगातार लिखते रहिए, जिससे कि वो मेरे पास आ जाए और मैं आपको उसका निदान दे सकूं। दोस्तों इसी तरह से स्वस्थ रहें, मस्त रहें और साथ में मेरी वीडियोज देख रहे हैं तो उन्हें करिए भी। जब तक आप करेंगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा इनसे कितना लाभ मिल रहा है। बहुत सारे लोग मुझे फोन कॉल्स करके बताते हैं कि जो मैं नंबर देती हूँ कितने चमत्कारी, कितना काम हो रहा है, या मैं जो मंत्र इत्यादि दे रही हूँ उनसे उनके कितने बिगड़े हुए काम बन रहे हैं। मैंने एक ब्यूटी मंत्र दिया हुआ है दोस्तों, उस मंत्र का तो इतना चमत्कारिक प्रभाव है, महिलाएं मुझे फोन करके बताती हैं कि उनके चेहरे पर जो आकर्षण और ग्लो बढ़ा है, लोग उन्हें टोकने लगे हैं कि आप ऐसा क्या यूज करती हैं कि आपके चेहरे पर एकदम से ग्लो आ गया है। तो अगर आपको नहीं मिला वीडियो तो प्लीज मेरे वीडियो जरूर देखिए, मेरे चैनल पर आप जाइए, सब्सक्राइब कर लेंगे तो डेली के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो अमृत की बूंद और जादुई अक्षर भी लिखिए। धन्यवाद दोस्तों, मैं कल फिर मिलूंगी अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ।